हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज की क्लास में आपका वेलकम है। तो हमने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसके एग्जांपल्स को हम कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। 4.10 नंबर का एग्जांपल हमने कर लिया है। कुछ बच्चों से मुझे शिकायत ये है कि वो बच्चे अपना वर्क समय पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैम जो वीडियो बना रही है उनको हम देख देख के ही अपना काम कम्प्लीट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है आपका। आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको एक फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना जरूरी है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप दो दो तीन तीन कॉपियां बनाएं, बट एटलीस्ट वन कॉपी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका ये वर्क पूरा का पूरा कंप्लीट हो, जिससे आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और यदि वीडियो देखने की जरूरत पड़ भी रही है तो उसको आप ओरल ही देख सको। ऐसा ना हो कि किताब कॉपी लेके बैठ रहे हो उस टाइम भी, और लास्ट टाइम पे आप होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, अपने नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो, बिकॉज इस टाइम पे आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो। और आपका अपना प्रॉफिट इसी में ही है कि आप समय पे अपनी पढ़ाई करें, समय पे अपना होमवर्क कंप्लीट करें। इस भरोसे बिल्कुल ना रहे कि कोई आपको नोट्स दे जाएगा। खुद की बनाई हुई नोट्स से बड़ा कोई नोट्स नहीं होता है। ऐसे तो फिर बुक्स के अंदर सारा का सारा कोर्स कवर है ही ना, लिखने की भी क्या जरूरत है। होमवर्क का प्रोसीजर कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया गया है, तो आप लोग होमवर्क कर ही नहीं रहे हो। कुछ बच्चे होते डेली रूटीन पे होमवर्क करते हैं, एक क्लास में मिस होती है तो वो लोग आगे से कॉल करके मैसेज करके पूछते हैं कि क्लास आज की कहाँ है, ठीक है। कुछ बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। तो भाई ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, फिर इससे अच्छा मत ही देखो आप, इसको ब्लॉक कर दो इस चैनल को यदि आपको ऐसे ही करना है तो। वरना काम तमीज से करो, क्योंकि पढ़ाया तो जा ही रहा है ना, मेहनत तो हमारी वेस्ट हो ही रही है, तो आप अपनी मेहनत क्यों नहीं लगा रहे हो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा रिटर्न कोई ना कोई दे देगा, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उसका बैड इफेक्ट आपके ऊपर ही पड़ेगा सिर्फ, और किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अपना होमवर्क कम्प्लीट कीजिए। ये ऐसे मत सोचिए कि मैम को होमवर्क चाहिए, मैम को तो कुछ नहीं चाहिए। 15 से 20 बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं कि मैम को तो वो बच्चे रिजल्ट दे देंगे, मेरा काम तो हो जाएगा। आप अपना सोचो, ठीक है। इस टाइम पे भी यदि कोरोना टाइम पे भी आप अपना फायदा उठा रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। फायदा उठा सकते हैं 11th के बच्चे, 9th के बच्चे, बट आप लोग फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। आप लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम तो आपको देनी ही देनी है, ठीक है। तो अब मैं 4.11 नंबर के एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, उसे पढ़िए आप पहले। एग्जाम्पल नंबर 4.11 क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, ठीक है। इनके प्लेटों के मध्य दूरी दे रखी है D, ये इस टाइप से दे रखा है, ये C है। इनके मध्य की जो दूरी दे रखी है वो D दे रखी है। यदि प्लेटों के मध्य 3/4 D दूरी में, ये देखो 3/4 D दूरी के अंदर एप्सिलॉन परावर्तितांक भर दिया जाए, मतलब d में से 3/4 d कितना बचा, d/4 बचा केवल, इसमें हवा है। और जो 3/4 d है इसमें क्या भरा हुआ है, एप्सिलॉन r। तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमें हमारे पास तो वही फॉर्मूला है, हवा के लिए तो ये होता है C0 ए एप्सिलॉन अपॉन डी। बट यदि हवा ना हो, एक प्लेट भरी हो, तो क्या करते हैं अपन, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं। तो देखिए इसको यहां पर कैसे यूज में लेना है। सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कितना है, टी ही है, ठीक है। माइनस टी कितना है, 3/4 d प्लस 3/4 d अपॉन एप्सिलॉन r कितना बचा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d कितना बचा, d बाई फोर बचा है। ऐसे तो सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करने के, प्लस 3/4 d अपॉन एप्सिलॉन r। अब क्या करेंगे, a एप्सिलॉन नॉट यहाँ से d अपॉन फोर को बाहर निकाल लो, कितना बचा, 1 प्लस 3/r। a d कितना है, c नॉट, या फिर इसको c मान लो क्योंकि इसने c दिया हुआ था, इसको c डैश मान लो, c
ये आ गया आंसर, इसको और सॉल्व कर लो करना चाहो तो, वरना यहीं पे आ गया ये आंसर, तो यहीं कंप्लीट कर दो इसको। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे अगर बुक जैसा आंसर चाहिए तो देखो सी डैश इज इक्वल टू 4c अपॉन। इनका जो अंतर है वो ये आएगा। उतारो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट क्या होगा, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो गोलीय संधारित्र टाइप्स होता है, ये अंदर वाला, ये होगा बाहर वाला। अंदर की ओर तो जीरो, अंदर की ओर तो जीरो हो गया, एक प्लेट पे क्या होगा माइनस और एक प्लेट पे क्या होगा प्लस। इस प्लेट पे हम माइनस क्यों मान लेते हैं, तो माइनस माइनस, ठीक है, इस प्लेट पे हम प्लस क्यों मान लेते हैं, तो ये प्लस। इस डायग्राम को आप बनाइए पहले, चलो इसके इससे पहले कुछ लिखवा रही हूं मैं, वो लिखिए। परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेश, परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले, लगभग समान आकार वाले संकेंद्री, संकेंद्री चालक गोलों से, चालक गोलों से बनी हुई युक्ति को, बनी हुई युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। मैं जो पूछू जो भी ध्यान दिया कर, ठीक है, उससे पहले मत दिया, पहले नहीं बता सकते। संधारित्र कहते हैं, अभी डायग्राम बनाओ। ऊपर वाली प्लेट को ए, अंदर वाली प्लेट को बी जरूर दे देना, इस टाइप से। इस वाली प्लेट को ए, इसको बी, और इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंडिंग भी करेंगे, भूसंपर्कित हम करते हैं इसको। है ना, बाहर वाली को कर दो, चाहिए पूरा एक ही है, अंदर तो दिखेगा ही नहीं, अंदर का दिखेगा ही नहीं, है तो दोनों ही ग्राउंडिंग। ठीक है, अब लिखिए माना दो संकेंद्री चालक गोले ए तथा बी हैं, जिनकी त्रिज्या क्रमशः है आर वन तथा आर टू है। देखिए आर वन और इसकी हुई आर टू। यदि अंदर वाले गोले को माइनस क्यू आवेश दिया जाता है, तब प्रेरण के प्रभाव के कारण, प्रेरण के प्रभाव के कारण
बाय बोले पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। अब लिखिए देखो पहले गोले बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, गोले बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, बी बी इज इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन आर टू, त्रिज्या इसकी आर टू है ठीक है, और गोले के लिए तो विभव हम जानते हैं के क्यू अपॉन आर होता है। सेकंड आएगा गोले बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, बी बी डैश कितना हो जाएगा के प्लस क्यू अपॉन आर वन, समीकरण नंबर दो। कुल विभव क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू बी बी प्लस बी बी डैश माइनस के क्यू अपॉन आर टू प्लस के क्यू अपॉन आर वन, उतार लो इसको, उतार लो यहां तक पूरा कंप्लीट उतारना। उतारिए, बहुत इजी डेरिवेशन है ये। लिखिए अब गोले ए का बाह्य पृष्ठ भू संपर्कित होने से, गोले ए का बाह्य पृष्ठ भू संपर्कित होने से इसके बाह्य पृष्ठ पर विभव शून्य होगा, अतः ए व बी के मध्य विभवांतर, अतः ए व बी के मध्य विभवांतर बी अनंत माइनस बी, अनंत पर क्या होता है विभव जीरो, बी कितना होगा के क्यू अपॉन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, माइनस की वजह से अंदर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी कैसे, वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, ये तो आप उतार ही चुके हो। तो देखो सॉल्व करो इसको, बी ए बी इज इक्वल टू के क्यू आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन आर टू, एलसीएम लेके सॉल्व किया है ठीक है। और धारिता क्या होती है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी क्यू अपॉन के क्यू आर वन माइनस आर टू, उतारो। कंप्लीट उतार लिया ये आपने, तो अब देखो Q से Q कटेगा तो C कितना आ रहा है, K की वैल्यू वन अपॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू, ये आ रहा है, ये निर्वात के लिए है। माध्यम में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं माध्यम में सिर्फ एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई और हो जाता है,
कंप्लीट हो गया डेरिवेशन आपका, उतार लीजिए इसको। अब इसके संगत जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं अपन, 4.12 इसके संगत कौन सा एग्जाम्पल है, 4.12। एक गोले संधारित्र के बाहरी व भीतरी गोलों की त्रिज्या क्रमशः, बाहरी गोला R1 2 मीटर है, भीतरी गोले की 1 मीटर, परावैद्युतांक दे रखा है इसने 8, संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, C ज्ञात करनी, क्या है फॉर्मूला। अब माध्यम आ गया भाई, एप्सिलॉन आर दे रखा है इसमें, माध्यम आ गया तो माध्यम के लिए फॉर्मूला तो अभी हमने निकाला ही है, क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट, ए नहीं लगाना चाहते तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ इसको, डायरेक्ट सॉल्व करो, क्या फॉर्मूला यूज में लोगे। क्या था, R1 into R2 अपॉन R1 - R2 1 upon K। चलो जो फॉर्मूला आपको पता है ना वही बताते हैं, देखो सी माध्यम वाला क्या था, 4 pi epsilon naught epsilon R R1 dot R2 R1 - R2 epsilon R पता है, R1 है R2 है, ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 upon 9 into 10 की पावर 9 यही होती है, एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है 8, R1 R2 सॉल्व कर सकते हो इसको तो इजीली, आप सॉल्व कीजिए, ये टॉपिक कंप्लीट। देखिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं करा रहे, अगली क्लास में कराएंगे, उससे पहले आंकिक प्रश्न देखते हैं, ये वाले जो आंकिक प्रश्न है ना बुक के पीछे जो होते हैं उसमें कराते हैं आपको, पहला पहला देखते हैं आंकिक प्रश्न क्या बोल रहा है। ध्यान रखना कितने आंकिक प्रश्न हमने करा दिए हैं, कौन से कटवा दिए हैं। आंकिक प्रश्न नंबर 1, एक गोलाकार चालक की धारिता दे रखी है, धारिता 1 pF, पीको का मतलब 10 की पावर -12 F, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला होता है C = 4 pi epsilon naught R, तो यहां से R कितना आ गया, C upon 4 pi epsilon naught, और K = क्या होता है 4 pi epsilon naught, इसकी वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 होती है, ठीक है। तो ये जो R है कैसे निकलेगा, 9 into 10 की पावर 9 9 × 10⁻³ 3 मीटर 9 मिलीमीटर सेकंड।
क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है 100 सेंटीमीटर दे रखा है, 10^-2 मीटर होता है, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 10^-4 मीटर स्क्वायर मतलब 10^-2 मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना दे रखा है? 100 न्यूटन पर कूलाम। आवेश बताओ प्रत्येक प्लेट का, प्रत्येक प्लेट का आवेश हमको बताना है। कैसे निकालेंगे इसको, करेंगे क्या आप इसको खुद, कैसे करोगे बताओ? इसको आपको करना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तीव्रता दी हुई है, और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो वो बताओ। देखिए धारिता वगैरह कुछ नहीं दी हुई है, लेकिन हम जानते हैं एक चीज, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए। और ई इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमको निकालना है, ए एप्सिलॉन नॉट ई। ए की वैल्यू कितनी है? 10^-2। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 × 10^-12। ई कितना है? 100। तो देखो 10^-2, 10^+2 ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया आंसर। तो दो प्लेट है, एक पर प्लस हो जाएगा, एक पर माइनस आवेश हो जाएगा, और ये हो गया डेरिवेशन, ये न्यूमेरिकल हो गया आपका कंप्लीट।